औरंगाबाद की रहने वाली भारत की बेटी ढाका में आतंकवादी हिंसा के शिकार तारीशी जैन का गुरुग्राम के शिव शमशान भूमि में अंतिम संस्कार हुआ और भारत की बेटी पंचतत्वों में लीन हो गई। दोपहर करीबन 12:30 बजे राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तारीशी जैन का पार्थिव शरीर जेट एयरवेज की फ्लाइट से पहुंचा, जिसके बाद गुरुग्राम के DLF कम्युनिटी सेंटर में उनके अंतिम दर्शन किए गए। अंतिम दर्शन करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पत्र लेकर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद राज बब्बर और एंटी टेररिस्ट फ्रंट के MS बिट्टा पहुंचे। परिवार वालों के साथ गुरुग्राम के हजारों लोगों ने तारीशी जैन को अंतिम विदाई दी, जिसके बाद तकरीबन 5 बजे शिव शमशान भूमि में तारीशी का अंतिम संस्कार किया गया। सवाल सिर्फ तारीशी की मौत का नहीं, ना मौत के मातम मनाने आए राजनेताओं का है, सवाल ढाका पर आतंकवादी हमले का भी नहीं, ना ही उसके पीछे ISIS या ISI के हाथ का है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसी मौतों पर कब तक हम मातम मनाते रहेंगे, कब देश और दुनिया के बड़े नेता एक होकर आतंकवाद का सामना करेंगे। लगभग 25 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह 11 बजे नए मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलवाई जाएगी। 5 जुलाई मंगलवार को 11 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सूचना राष्ट्रपति भवन को भी दे दी गई है। इस फेरबदल में कुछ सांसदों का प्रमोशन हो सकता है, वहीं कुछ मंत्रियों को संगठन के काम में लगाने के लिए कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में लगभग 14 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल अपने दल का विलय आने वाले दिनों में भाजपा में कर सकती है। वहीं यूपी से महेंद्र नाथ पांडे और श्रीमती कृष्णा राज को भी मोदी सरकार में शामिल किया जा रहा है। उत्तराखंड से अजय टमटा को मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला, रामदास अठावले, SS अहलुवालिया, अर्जुन राम मेघवाल और PP चौधरी को भी मंत्री बनाया जा रहा है। वहीं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया और पंचायती राज रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद को वापस सरकार से संगठन में भेजा जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा को भी मोदी सरकार से बाहर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाने वाला यह दूसरा कैबिनेट फेरबदल होगा। आपको बता दें कि 6 जुलाई को 4 देशों के अफ्रीकी दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव कर लेना चाहते थे। इसी के तहत पिछले कई दिनों से पार्टी और सरकार में विचार मंथन का दौर जारी था और आखिरकार फैसला लिया गया कि मंगलवार को मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जाएगा और फेरबदल भी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है, इसलिए यहां के नेताओं को सरकार में शामिल करने में तवज्जो भी दी गई है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संगठन में भी एक बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। रियो डी जेनेरियो में 5 से 21 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक में भाग लेने जा रहे एथलीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की और उन्हें ओलंपिक में खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं भी दी और उनका हौसला भी बढ़ाया। यह कार्यक्रम माने कथा सेंटर में आयोजित हुआ। रियो डी जेनेरियो में 5 से 21 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक में भाग लेने जा रहे एथलीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उन्हें ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन देने की शुभकामनाएं दी और उनका हौसला भी बढ़ाया। यह कार्यक्रम माने कथा सेंटर में आयोजित हुआ। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। भारत ओलंपिक खेलों में अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अभी तक 13 खेल स्पर्धाओं में क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक में पिछला सबसे बड़ा दल 2012 में लंदन ओलंपिक में था, जिसमें देश के 83 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आने वाले दिनों में और एथलीटों की क्वालिफाई करने की संभावना है। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ IOA को खेलों में 110 से ज्यादा एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत के कुल 100 एथलीट 13 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे, जबकि कुल
200 देश इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी बीजेपी और सरकार की लगातार आलोचना करने वाली एनडीए सहयोगी शिवसेना ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना मजबूत समर्थन दिया है। शिवसेना ने मोदी सरकार से कहा है कि विरोधी की परवाह किए बगैर इस कानून की फाइल को आगे बढ़ाएं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए साफ संदेश दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, इस राष्ट्रीय महत्व के काम को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। समान नागरिक कानून बनेगा क्या शीर्षक से लिखे संपादकीय में कहा गया कि आज मोदी सरकार के पास संपूर्ण बहुमत है, इस बहुमत का सम्मान हो इतनी ही हमारी उम्मीद होगी, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद देश में मजहब पर हो रही राजनीति पर ताला लग जाएगा। संपादकीय में लिखा गया कि बीजेपी के लिए यह सबसे अहम सिद्धांतों में एक है। साथ ही शिवसेना का भी यह स्पष्ट मानना है कि कानून बनना चाहिए, एक ही देश के नागरिकों पर अलग अलग कानून लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ वोटों की राजनीति कर इस मुद्दे को उछाल रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और जल बोर्ड के अध्यक्ष कपिल मिश्रा आज वाटर टैंकर घोटाला मामले में एसीबी के सामने पेश हुए। वो करीब 2 घंटे तक एसीबी ऑफिस में रहे, जहां एसीबी अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। इस दौरान उनके समर्थक एसीबी कार्यालय के सामने जमे रहे। दरअसल पूर्व सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ कपिल मिश्रा ने एलजी से शिकायत की थी, जिसके बाद एलजी ने मामले को एसीबी को सौंप दिया था। लेकिन बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से शिकायत कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी जांच की मांग की थी। बता दें कि 400 करोड़ रुपए के इस पानी टैंकर के कथित घोटाले के सिलसिले में एसीबी ने एक मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि जंग ने कथित रूप से 400 करोड़ रुपए के जल टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित के खिलाफ 16 जून को जांच पड़ताल की स्वीकृति दे दी थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 के जून में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा शीला दीक्षित के शासनकाल में साल 2012 में 385 स्टील के जल टैंकर किराए पर लेने में कथित अनियमितता की सच्चाई का पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। पूछताछ के बाद एसीबी कार्यालय से बाहर निकले कपिल मिश्रा ने शिकायती लहजे में कहा कि एक डीसीपी, 2 एसीपी और 4 इंस्पेक्टर मुझे घेर कर 2 घंटे तक बैठे थे, लेकिन उन लोगों ने शीला दीक्षित के बारे में एक भी सवाल नहीं किया। दूसरी तरफ एसीबी चीफ ने कहा है कि वो जरूरत पड़ी तो अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार सकती है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 150 से ज्यादा रैलियां करेंगी। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी चुटकी ले रही है और उसका कहना है कि कांग्रेस मान चुकी है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर ताना कसते हुए कहा कि कांग्रेस में परिवार की पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व के लिए खोज भी सिर्फ गांधी परिवार तक ही सीमित रहती है। पात्रा ने पत्रकारों से कहा, कांग्रेस प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए बेचैन है, यह उनका आंतरिक मसला है। इससे 3 बातें साफ हो जाती हैं। एक यह कि कांग्रेस कभी अपने परिवार से बाहर नहीं आ सकती, उन्हें गांधी फैमिली में ही नेतृत्व चाहिए। उन्होंने आगे बताया, प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने से पता चलता है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं। अगर राहुल सफल रहे होते तो प्रियंका को कभी भी बुलाया नहीं जाता। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के महासचिव गुलाम आजाद ने पहले अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद उनकी स्वीकृति ली गई। उसके बाद ही प्रियंका गांधी को प्रस्ताव दिया गया है। आपदा के 48 घंटे बाद जागी उत्तराखंड सरकार। आपदा की उन तैयारियों को पूरा करने के अब जारी हुए निर्देश जिन्हें 1 महीने पहले किया जाना था पूरा। उत्तराखंड सरकार आपदा के प्रति कितना सचेत है, इस बात की पोल खुल गई है। 1 जुलाई को भारी बारिश ने पर्वतीय इलाकों में तबाही मचाई थी और इसके 48 घंटे बाद उत्तराखंड सरकार को आपदा प्रबंधन का ख्याल आया है। मुख्यमंत्री ने आपदा के बाद बैठक ली और इस बैठक में प्रशासन को उन तैयारियों को पूरा करने को कहा गया जो 1 माह पूर्व कर लेनी चाहिए थी। सीएम साहब ने आपदा के 48 घंटे बाद बिजली विभाग को छोटे जनरेटर खरीदने, पीडब्ल्यूडी विभाग को वैली ब्रिज, जल संस्थान को अतिरिक्त पाइपलाइन रखने और अपनी अपनी वेबसाइट अपडेट करने के आदेश दिए। खाद्यान्न विभाग को भी पर्याप्त राशन पहुंचाने के आदेश अब दिए गए हैं, जबकि ये तैयारियां 1 माह पूर्व कर ली जानी चाहिए थी।
आपदा ने भारी तबाही मचाई और लोग परेशान रहे, लेकिन इसके बाद सरकार का रवैया लोगों के जख्मों में नमक छिड़कने का काम कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी उपनल कर्मचारी आंदोलन की राह पर डटे हुए हैं। आज दून अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का उपनल कर्मचारियों ने घेराव किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य के 18,000 उपनल कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिससे तमाम सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। राज्य का दून अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे आज स्वास्थ्य मंत्री का उपनल कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल उपनल कर्मचारी लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि जो वेतन सरकार उन्हें उपनल के माध्यम से दे रही है, यदि वो पैसा उन्हें सीधे दे दिए तो उसे उनके बीच का पैसा नहीं कटेगा और उसका लाभ कर्मचारियों को मिल सकेगा। लेकिन कैबिनेट में इस मामले पर सहमति नहीं बनी, जिसके बाद कर्मचारी आज भी सड़कों पर हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी दावा कर रहे हैं कि उपनल कर्मचारियों के विषय में विचार किया जा रहा है, जल्द ही रास्ता निकाल लिया जाएगा। उपनल कर्मचारी पिछले लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें विभागीय संविदा पर तैनाती दी जाए, जिसको लेकर कैबिनेट में चर्चा भी हुई, लेकिन सहमति ना बनने के चलते अब कर्मचारी सड़कों पर हैं, जिसके चलते आज कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का घेराव किया और उनसे मांग की कि उपनल कर्मचारियों को वेतन विभागों द्वारा ही दिया जाए। प्रदेश में मौसम विभाग का 72 घंटे का रेड अलर्ट खत्म हो चुका है, लेकिन दिक्कतें अभी भी लगातार जारी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने पिथौरागढ़ के बसतड़ी को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में राहत और बचाव कार्य पूरा करने का दावा किया है। विभाग के उप सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि बसतड़ी में मलबा लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में फैला है, जिसकी वजह से खोज और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है, लेकिन डॉग स्क्वाड की मदद से SDRF, NDRF, आर्मी, सिविल पुलिस, राजस्व पुलिस अपना काम लगातार कर रही है, जिसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीदें जगी हैं। मॉनसून की दस्तक प्रदेश में अपना कहर बरपा चुकी है, जिसके बाद अब खोज और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रदेश में अलर्ट के बावजूद सोती रही सरकार अब ठोस उपायों पर एक्शन प्लान तैयार कर रही है। प्रदेश में SDRF कंपनी की 2 नई कंपनियां तैयार होंगी, जबकि 200 होमगार्ड और PRD जवानों को भी नियुक्त किया जाएगा। अब कोशिश इस बात की भी की जा रही है कि SDRF का बल मजबूत किया जाए, साथ ही प्रदेश में आपदा स्थानों पर अलग से अभियान चलेगा। प्रदेश में आई आपदा के बाद सरकार ने अब ठोस रणनीति तैयार करने का दावा किया है, जिसके तहत IG संजय गुंजाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। SDRF की 2 नई कंपनियों के बनाने के साथ साथ पिथौरागढ़ में पानी को प्योरीफाई करने वाली एक सोलर सिस्टम से चलने वाली मशीन भी भेजी जा रही है, क्योंकि पिथौरागढ़ में पानी की समस्या खड़ी हुई है, जिससे जवानों को रेस्क्यू काम में और ग्रामीणों को पेयजल नहीं मुहैया हो पा रहा है। साथ ही SDRF की टीम को बसतड़ी गांव और उसके आसपास से सटी काली नदी में रेस्क्यू सर्च के लिए उतारा गया है। पुलिस का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि कुछ लोग भागे हों तो नदी में न डूब गए हों और उनके शव वहां मिल सकते हैं। हालांकि इसकी ऑन द रिकॉर्ड पुष्टि नहीं है, लेकिन सर्च अभियान चलाए जाने की पुष्टि जरूर की गई है। वहीं IG संजय गुंजाल ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर बंद पड़े बद्रीनाथ मार्ग को भी कल शाम तक दोपहिया और छोटे हल्के वाहनों के लिए खोल लिया जाएगा। प्रदेश में 2013 में आई हृदय विदारक आपदा के बाद SDRF का गठन हुआ, तो 2016 में आई आपदा के बाद SDRF की 2 कंपनियां बढ़ेंगी। सवाल यह है कि सरकार अलर्ट के बावजूद सोती क्यों रहती है और आखिर क्यों समय से ठोस एक्शन प्लान तैयार नहीं किया जाता, आखिर क्यों किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती और ग्रामीण पहाड़ में अपने हालात पर रोने को मजबूर होते हैं। राज्य में भारी बारिश से हुई त्रासदी को लेकर CM हरीश रावत के रवैये पर विपक्षी भाजपा ने जमकर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि राज्य की जनता विलाप कर रही है और CM हरीश रावत भुट्टे खाते और चाय पीते अपनी तस्वीरें खिंचाने में व्यस्त हैं। अजय भट्ट ने कहा कि एक तरफ CM आपदा कंट्रोल रूम में हालात का जायजा लेते हैं और फिर उसके तुरंत बाद भुट्टे खाते अपनी तस्वीरें खिंचाकर प्रचार में लग जाते हैं। अजय भट्ट ने कहा कि CM का रवैया यही दर्शाता है कि उन्हें राज्य की कोई चिंता नहीं और वो संवेदनशील होने का केवल दिखावा करते हैं। अजय भट्ट ने त्रासदी को आपदा मानने से CM के इनकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर राज्य में आपदा नहीं है तो वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश केंद्र से हजारों करोड़ की मदद क्यों मांग रही हैं? राहत कार्यों को लेकर सरकार जो भी दावे करे, लेकिन आपदा के मुद्दे पर भाजपा सरकार और CM हरीश रावत की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देश भर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर लोगों ने पवित्र नदियों में गंगा स्नान किया। धर्मनगरी हरिद्वार में भी खराब मौसम के बावजूद बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा में स्नान करने के बाद पितृतर्पण कार्य भी किया। देश भर में सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई।
सोमवती अमावस्या के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचे। हर की पौड़ी और आसपास के तमाम घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और पितृतर्पण किया। सोमवती अमावस्या के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। पूरे क्षेत्र को 2 सुपर जोन के साथ ही 12 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया था। पिछले कई दिनों से हो रही पहाड़ों पर बारिश के बाद गंगा के बड़े जलस्तर को देखते हुए हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर जल पुलिस की तैनाती भी की गई थी। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो शाम तक जारी रहा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान और पितृतर्पण से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि खराब मौसम के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आए। गाजीपुर और आजमगढ़ सीमा पर बाइक सवार बदमाश और पुलिस के बीच हुई भीषण मुठभेड़, जहां इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, वहीं दूसरा बाइक सवार बदमाश भागने में कामयाब रहा। आजमगढ़ और गाजीपुर सीमा पर पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई जमकर फायरिंग, जहां इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, वहीं दूसरा बाइक सवार बदमाश भागने में फरार हो गया। जहां पुलिस चेकिंग लगाए बैठी थी, वहीं फिल्मी अंदाज में ये बदमाश उस चेकिंग के बीच निकलने की कोशिश कर रहे थे, जहां पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, वहीं बदमाशों ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में सतीश यादव और बबलू, जो 5,000 का इनामी है, उसे गोली लग गई, वहीं उसका दोस्त भागने में कामयाब हुआ। इस मुठभेड़ में घायल बदमाश सतीश यादव और बबलू की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे आजमगढ़ से वाराणसी इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। एटा में 2 दिन पूर्व एक स्कूल के प्रबंधक ने एक स्कूली छात्रा के साथ रेप और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने को लेकर आज लोधी समाज ने खुलेआम एक पंचायत की, जिसमें फैसला लिया गया कि अब लोधी समाज की कोई भी छात्रा स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं जाएगी, ना ही लोधी समाज का कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करेगा। एटा में स्कूल प्रबंधक द्वारा छात्रा के साथ रेप व उसका अश्लील वीडियो वायरल करने और अन्य छात्राओं का यौन शोषण करने के मामले में लोधी समाज की बिलाईपुर में महापंचायत हुई। पंचायत में फरमान जारी करते हुए आरोपी स्कूल प्रबंधक के स्कूल में लोधी समाज के किसी भी छात्र छात्रा के नहीं पढ़ने और आरोपी के स्कूल के शिक्षकों को लोधी समाज के लोगों द्वारा अपनी चौखट और दरवाजे पर नहीं बैठने देने का फरमान जारी किया है। इतना ही नहीं, महापंचायत में फरमान जारी करते हुए छात्राओं को मोबाइल फोन नहीं रखने का भी फरमान दिया गया है। साथ ही लोधी समाज के लोगों को शराब न पीने का फरमान दिया गया। गौरतलब है कि एटा के थाना बागवाला के ऑन घाट स्थित श्रीकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्कूल प्रबंधक जितेंद्र यादव ने 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। कहीं न कहीं इस पंचायत को लेकर ये कहा जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार की मुहिम पढ़े बेटियां बड़े बेटियां की मुहिम को धक्का लगा है, जिससे समाज के लोगों का कहना है कि यदि हमारी स्कूल जाने वाली बेटियों की इज्जत पर अगर हाथ डाला जाता है तो इससे तो बढ़िया है कि हमारी बेटियां अनपढ़ ही रहें। एक महिला ने फोन पर अपने परिजनों से बचा लेने की गुहार लगाई है। महिला फोन पर कह रही है कि उसके घर से निकलने के बाद अपहरण कर लिया गया, उसको एक बंद कमरे में रखा गया जहां उसको मारा पीटा जाता है। उसके साथ कई और लड़कियां भी बंद है, वह रोती है और वहां जहां कैद है वहां के लोगों की बोली दूसरी है। मामला फैजाबाद से 28 वर्षीय महिला को गायब होने का है। महिला 9 मई से गायब है, जिसकी गुमशुदगी की सूचना थाना पूरा करंदर में दर्ज है। यह घटना कहीं न कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इशारा कर रही है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सूबे की मुखिया अखिलेश की पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। फैजाबाद के थाना पूरा करंदर गांव परशुरामपुर की एक 28 वर्षीय महिला अंजनी का अपहरण 9 मई को उसके घर से थोड़ी दूर पर कर लिया गया था। जब महिला अपने बीमार पति को देखने मायके जा रही थी, पीड़ित परिजनों ने महिला की गुमशुदगी थाना पूरा करंदर में दर्ज कराई थी और पुलिस ने महिला को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन एक फोन ने पीड़ित परिवार को हिलाकर रख दिया है। गायब महिला अंजनी ने अपने अपहरण की सूचना परिजनों को फोन पर दी है, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। महिला ने अपने पति को फोन पर रो रो कर सारी घटना बता रही है। महिला का फोन पर कहना है कि उसको अपहरण कर कहीं दूर एक बंद कमरे में कैद कर रखा है। अपहरण के बाद महिला के कुछ लोग 2-3 दिन तक गाड़ी का सफर करते रहे और अब महिला एक बंद कमरे में कैद है, जहां उसके साथ और भी कई महिलाएं भी कैद हैं। जब ये भागने की कोशिश करती है तो वहां मौजूद लोग उसे मारते और पीटते हैं। उसको एक महिला की देखरेख में रखा गया है।
उसको जहां कैद करके रखा गया वहां के लोगों की बोली समझ में नहीं आ रही है। महिला बार बार कह रही है कि उसको बहुत मारा पीटा जाता है। इस आदमी ने दूसरे आदमी को सौंपा, उसने उस आदमी को पैसा दिया। ये घटना कहीं न कहीं मानव तस्करी से जुड़ी लग रही है। पुलिस परिजनों का कहना है कि पुलिस उसका सहयोग नहीं कर रही है। वही फैजाबाद पुलिस का हाल में लिखे कि एक महीने से ज्यादा समय हो गया महिला अंजनी के गायब होने का, लेकिन पुलिस ने महज गुमसुदगी दर्ज करके खानापूर्ति कर दी है। लेकिन जब से महिला का अपने पति पर फोन आकर अपहरण होने की बात सूचना दी, पुलिस हरकत में आई। कन्नौज जिले के सिकंदरपुर कस्बे में दूषित पानी पीने से और गांव में फैली गंदगी के चलते संक्रामक रोग फैल गए हैं, जहां 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे ये मासूम बच्चे बुजुर्ग, इनका बस दोष इतना है कि सरकार द्वारा गांव में लगाई गई पाइपलाइन से इन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी चाहिए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि जिस पानी को ये पी रहे हैं वह इनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। दरअसल सिकंदरपुर नगर पंचायत में रहने वाले लोगों के घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई दी जा रही है। वहीं पाइपलाइन नालियों के अंदर से होकर नालियों के ऊपर लगा दिए गए हैं। पाइप के जर्जर हो जाने के कारण नालियों का गंदा पानी पाइपलाइन में जाने लगा, जिसको पीकर सैकड़ों ग्रामीण बीमार हो गए और उनमें डायरिया, हैजा जैसे संक्रामक रोग फैल गए। ग्रामीणों की माने तो पूरा गांव संक्रामक रोग की चपेट में है। 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के लिए 1 हफ्ते बाद डॉक्टर को उपचार के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव में 1 हफ्ते से ज्यादा संक्रामक रोग फैल गए हैं, वहीं कई जानें जा चुकी हैं। लेकिन गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज कई बार दवा लेने गए, लेकिन वहां ताला मिला। मजबूर होकर उन्हें प्राइवेट झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज कराना पड़ा। कुछ ग्रामीणों का तो यहां तक कहना है कि गांव में बीमारों की संख्या 1000 से ऊपर है और मरने वालों की संख्या 8 से 10 हो सकती है। वहीं गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र पर ताला पड़े रहने से ग्रामीणों को दर दर इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या इन गूंगे बहरे अधिकारियों पर शासन स्तर से कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या फिर आम ग्रामीण जनता इसी तरह से इन लापरवाह अधिकारियों के लापरवाह रवैये के चलते मरती रहेगी। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म दंगल का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में आमिर खान अपनी फिल्मी फैमिली के संग नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को खुद आमिर खान ने रिलीज किया है। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म दंगल का नया पोस्टर सामने आ गया है। ये पहला पोस्टर है जिसमें आमिर खान अपनी फिल्मी बेटियों और बेटे के साथ नजर आ रहे हैं। दंगल में आमिर खान पहलवान महावीर सिंह फोगाट के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी महावीर सिंह और उनकी बेटियों के इर्द गिर्द बुनी गई है। फिल्म में आमिर की बेटियों के किरदार में फातिमा सना शेख और सन्या मल्होत्रा नजर आएंगी। गीता और बबीता इंटरनेशनल लेवल पर भी रेसलिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आमिर ने अपने ट्विटर हैंडल पर दंगल का ये नया पोस्टर अपने फैंस के साथ शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। आमिर की दंगल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि बीच में खबरें आई थी कि रिलीज डेट आगे खिसक सकती है, लेकिन आमिर ने इन खबरों को अफवाह बताया। बता दें कि इन दिनों आमिर खान पंजाब में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आमिर खान के अपोजिट साक्षी तंवर नजर आएंगी।